शराबी डॉक्टर की गुंडागर्दी आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जरा सोचिए क्या हो जब आप अस्पताल में जाए और वहां एक शराबी आपका इलाज करने लगे। चौंक गए ना, कुछ ऐसा ही हुआ टोंक में। इतना ही नहीं, बेवड़े डॉक्टर साहब ने मीडिया को भी धमका डाला। कौन है डॉक्टर साहब और कैसे चली गुंडागर्दी, आज ये हम आपको दिखाने वाले। शराबी डॉक्टर की गुंडागर्दी कुछ ऐसी कि मीडिया से भी बदसलूकी करते हुए धमकी देते हुए नजर आए, और फिर क्या कुछ हुआ ये रिपोर्ट देखिए। हेलो, हाँ मेरे हॉस्पिटल में मेरे को मरवाने का प्लान था क्या साहब आपका? नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगा आपको साहब? अरे साहब आपका तो फुटिंग है, मैडम के साथ आपने कपड़े फाड़े हैं। मैडम के साथ मैंने कपड़े फाड़े हैं? मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप ऐसा करिए मेरे खिलाफ आप रिपोर्ट करवाइए। आप करवा दीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ आपके कमरे में, कोतवाल बैठे हैं, आप करवा दीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मी मतलब आपके हॉस्पिटल में कोई कवरेज करने आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप रिपोर्ट करवा देंगे मेरे खिलाफ भी? अरे साहब आप तो मैंने मैडम के आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं ना मैडम के कपड़े मैंने फाड़े, आप यही बोल रहे हैं ना? आप सीसीटीवी मेरे साथ फाड़े ना? मैं कब आया हूँ, मेरी प्रेजेंस दिख रही है क्या आपको? मैं कब आया हूँ, मेरे पास कॉल गया है यहाँ से कि अस्पताल में हंगामा मच रहा है। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड हूँ, मेरा वो आपके प्रेजेंस में दिख जाएंगे ना? हैं? आपके प्रेजेंस में दिख जाएंगे ना? आप तो रिपोर्ट कराइए, पहली फुर्सत में रिपोर्ट कराइए। और तो सुना आपने कैसे झूठ बोलते बोलते डॉक्टर साहब की जुबान लड़खड़ाने लगी, कैसे उनके पास शब्द ही नहीं बचे, बचेंगे भी क्यों, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, आखिर कब तक चलती। लेकिन कुछ ऐसी ही धमकियों के जरिए सच और मीडिया को दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा आए दिन एक पत्रकार के साथ होता है, लेकिन फर्स्ट इंडिया की टीम ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है, यह हमारे संवाददाता जियाउद्दीन खान ने भी बता दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक डॉक्टर को गुंडे जैसी भाषा बोलनी पड़ी? क्यों एक डॉक्टर पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया कि वो पुलिस या मीडिया को धमकाने लगा? आज कुछ ऐसी ही हकीकत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, बस देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। अभी जो ऑडियो हमने आपको सुना है उसे सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक डॉक्टर गुंडागर्दी पर उतारू है, उससे भी ज्यादा वो शराब के नशे में जिंदगियों तक से खिलवाड़ कर रहा है। इस पर जब हमारी टीम कवरेज करने पहुंची तो गुंडागर्दी पर उतरे डॉक्टर ने हमारे सहयोगी को ही न केवल मारपीट की धमकी दे डाली बल्कि झूठे आरोपों में फंसाने की बात भी कही। ये रिपोर्ट देखिए। इन महाशय को देख रहे हैं आप, ये हैं डॉक्टर चंद्रभान जाटव। जी हाँ, डॉक्टर साहब हैं ये जो फुल टल्ली हैं। इनको नशा केवल शराब का नहीं है बल्कि धन दौलत का भी है। टोंक में इनका एक हॉस्पिटल चलता है, लेकिन ये क्या, इन्हें तो पुलिस लेकर जा रही है। साहब ने काम ही कुछ ऐसा किया है, इन्होंने सुरा का पान किया और चल दिए जिंदगियों से खिलवाड़ करने। लेकिन जब किसी ने इन्हें शराब के नशे में होने की बात कही तो बस फूट पड़ा इनका गुस्सा और शुरू कर दी मरीजों और उनके परिजनों से हाथापाई। डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब आते हैं जूते मारने लगे इस भैया के ऊपर, फिर थोड़े मेरा फोन खुसका के मेरे मारने लग गए। तो आता ही उनका कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ के जूता खोल लिया, फिर रिकॉर्डिंग करने लगा तो सबका फोन उन्होंने खोज लिया। सबने आस पास में आया जिसको सबकी बात पढ़ लिया और सबने की आओ मैं सबको मारूंगा दिया। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आते पहले क्या है रे, क्या बोला, फिर वो मैडम बोली कि धंधा वाले बोल रहे, तो मेरे बातें पहले जूता उठा के मारने लगे मेरे पे। सब पब्लिक वहाँ सामने थी, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे आते मेरे पे जूता उठा के मारने लगे। सुना आपने, डॉक्टर साहब आए और बस आते ही जूता उतार कर मारने लगे। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, चलिए आपको मामला पूरे विस्तार से समझाते हैं। दरअसल टोंक में रुस्तमगंज के रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने अपने पिता की पथरी का ऑपरेशन चंद्रभान अस्पताल में करवाया था, लेकिन घर जाते ही मरीज को परेशानी होने लगी। परिजन जब वापस उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने जयपुर रेफर करने की बात कही। मरीज के परिजनों ने जब सवाल किए तो उन्हें धमकाने लगी।
और कोई नहीं था, डॉक्टर साहब को बताया तो कहना आ रहे हैं 15 मिनट में, फिर आधा घंटा हुआ फिर कहे कि आ रहा हूँ 10 मिनट में। उसके बाद फिर मैडम ने फ़ोन मिला के दिया, मॉडर्न मैडम के पास चले गए तो मैडम ने फ़ोन कि मैं नहीं आ रहा, तुम कर लो क्या करना है। अस्पताल में हंगामा बढ़ने लगा तो परिजनों ने फर्स्ट इंडिया संवाददाता को सूचना दी। जब हमारे संवाददाता जियाउद्दीन खान मौके पर पहुंचे तो मानो डॉक्टर साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने न केवल परिजनों से मारपीट की बल्कि संवाददाता को सरेआम धमकी भी दे डाली। कि तूने मेरे ये मैडम के साथ ऐसा किया और ये सब झूठा आरोप लगा, झूठा आरोप लगाए उनके ऊपर, जबकि वो तो अंदर ही नहीं गए, तो उसे वो उस पर मारने भगे, तू ऊपर भग गए। पत्रकार से कहा कि पत्रकार जैसे पत्रकार यहाँ है ना पहली बार भाई, जैसे रिपोर्ट छापने के लिए, तो पत्रकार से बोलता है कि तेरे पे केस करवा दूंगा, तूने मेरे मैसेज का यहाँ से छेड़ ये बनियान फाड़ा है। मतलब अभी अशोक जी कोतवाल साहब के सामने धमकी दे रहा था उनको फोन के ऊपर ही कि तू यहाँ पे आया ना तो तेरे पे FIR दर्ज कराऊंगा तेरे नाम की। देखा आपने किस तरह डॉक्टर साहब ने सच दबाने के लिए महिला चिकित्सा कर्मी से छेड़छाड़, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के झूठे मामले दर्ज करवाने की धमकी दी। चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं डॉक्टर साहब की धमकी भरी वाणी के कुछ अंश। हेलो, मेरे हॉस्पिटल में मेरे को मरवाने का प्लान था क्या साहब आपका? नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगा आपको साहब? अरे साहब आपका तो फुटिंग है, मैडम के साथ आपने कपड़े फाड़े हैं। मैडम के साथ मैंने कपड़े फाड़े हैं? मेरी बात सुनिए फिर तो डॉक्टर साहब, आप ऐसा करिए मेरे खिलाफ आप रिपोर्ट करवाइए। आप करवा दीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ आपके कमरे में, कोतवाल साहब के कमरे में, आप करवा दीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मी मतलब आपके हॉस्पिटल में कोई कवरेज करने आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप रिपोर्ट करवा देंगे मेरे खिलाफ भी? अरे साहब आप तो आप, मैंने मैडम के, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं ना मैडम के कपड़े मैंने फाड़े, आप यही बोल रहे हैं ना? नहीं, आप मेरे साथ पढ़े ना? मैं कब आया हूँ? मेरी प्रेजेंस दिख रही है क्या आपको? मैं कब आया हूँ? मेरे पास कॉल गया है यहाँ से कि अस्पताल में हंगामा मच रहा है। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड हूँ, मेरा कर आपके प्रेजेंस में दिख जाएंगे ना? हैं, आपके प्रेजेंस में दिख जाएंगे ना? आप तो रिपोर्ट कराइए, पहली फुर्सत में रिपोर्ट कराइए। और तो यह है पूरा मामला जिसमें साफ पता लगता है कि किस तरह एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है जब गुंडागर्दी पर उतरता है तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। खास बात यह है कि जब कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर चंद्रभान का मेडिकल कराया तो उसमें काफी ज्यादा मात्रा में शराब पीने की बात सामने आई। हालांकि अब देखना होगा कि इस तरह के गुंडे डॉक्टर्स की गुंडागर्दी पर कब तक लगाम लग पाती है। टोंक में शराब के नशे में धुत चंद्रभान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर चंद्रभान की गुंडागर्दी देखने को मिली। डॉक्टर ने पहले मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की, घटना का कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की और खबर चलाने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। यही नहीं, जब मामला सामने आया तो उसके बाद मीडिया कर्मियों मरीज के परिजनों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवा दिया। पूरा मामला सामने आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस डॉक्टर को मेडिकल के लिए ले गई जहाँ पर उसकी शराब पीने की पुष्टि हुई। इस पूरे मामले के बाद सवाल यही उठता है, जो धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, वो क्या शराब के नशे के अंदर मरीजों का इलाज करेंगे? और जब मरीज उनसे किसी बात को लेकर उलाहना देंगे तो उनसे मारपीट करेंगे? इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा पेशा है जो मानव सेवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब मानव सेवा को छोड़कर डॉक्टर गुंडागर्दी करने लगेंगे तो आखिर जनता को इंसाफ कहाँ मिल पाएगा? कैमरा पर्सन नंदकिशोर के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टोंक। और मेरे सहयोगी जिया मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, दरअसल जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर दिखाई जा रही हैं और जो यहां पर ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उसने बता दिया कि डॉक्टर साहब शराबी भी हैं, लड़ाकू भी हैं और जान से खेलने का शौक भी रखते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि पुलिस ने इनको पकड़ा, अभी कहां पर है ये वापस हम आपके पास आएंगे। लेकिन हमारे साथ CMHO डॉक्टर सुरेश भंडारी जुड़ गए हैं। सुरेश भंडारी जी, किस तरीके की व्यवस्था है टोंक के अंदर? सर, शराब पीकर इलाज किया जाता है, आवाज कोई उठाए तो पीटा जाता है और फिर अगर मीडिया कवरेज करे तो धमकी दी जाती है। नहीं, आप तो गलत है और आप तो हमें पुटअप करो, हम एक्शन लेंगे। सर, तो आप ये कह रहे हैं अभी तक आपके पास जानकारी नहीं? नहीं, ये मेरे पास तो नहीं आई है। आपका एक डॉक्टर बकायदा पुलिस थाने पहुंच गया, वो शराब के नशे में पाया गया, पुलिस ने उसको देखा भी, ये दरअसल प्राइवेट डॉक्टर वहां पर है, डॉक्टर चंद्रभान नाम है उनका, गुंडागर्दी कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। शेमफुल, शेमफुल है जी। आप तो ये
मैं अभी क्या बताऊं आपको, राइटिंग मैं कल एक्शन ले लेता हूं इसका। सर इतना गोलमोल कहेंगे तो कैसे विश्वास होगा, रुकवा देते हैं प्रैक्टिस जी। आपको पूरी डिटेलिंग यहां पर दिलवाते हैं सर, मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन सीएमएचओ साहब हैं जो गोलमोल करते हुए कह रहे हैं कि कल वो कार्रवाई कर देंगे, प्रैक्टिस रुकवा देंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस की अगर बात की जाती है सीएमएचओ साहब, आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रबान हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की होती है और आपकी भी होती है। सवाल ये उठता है कि जिस जगह पे बिल्डिंग में ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है उसका कितनी बार आपकी तरफ से इंस्पेक्शन किया गया, कितनी शिकायतें वहां से दी जा चुकी हैं। भामाशाह के अंदर जो घोटाला किया जा रहा है उसकी शिकायत भी आपसे की गई थी, लेकिन अब तक आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसे में सवाल ये उठता है 24 घंटे बाद जब पूरे जिले के अंदर ये डॉक्टर का कारनामा पता चल गया, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने हॉस्पिटल उस प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचने की जहमत नहीं उठाई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर जो चंद्रबान जो है उनके खौफ से कितने खौफजदा चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं जो कार्रवाई करने की भी नहीं सोचते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुरेश भंडारी जी जवाब दीजिए। नहीं हमें तो अगर पता होता हमें क्यों नहीं एक्शन लेते, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ये सर मेरे सहयोगी बता रहे भामाशाह के जरिए घोटाला। अच्छा जरा बताइए कि इस तरीके के किसी औचक निरीक्षण की जिम्मेदारी आपकी बनती है नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। तो आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे सर? नहीं नहीं हमने तो किया है निरीक्षण जब भी किया है, और BSBY या जो भी है तो कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में बकायदा इंक्वायरियां होती है और बकायदा उनकी जांचें होती है। सर फर्स्ट इंडिया बाकायदा यहां पर विजुअल दिखा रहा है कि डॉक्टर साहब किस तरीके से नशे में है, गुंडागर्दी यहां पर कर रहे हैं। जो परिजन है वो यहां पर बता रहे हैं कि उनके साथ जूतों से मारपीट की गई, ऑडियो हमारे पास है जिसमें धमकी दी जा रही है। क्या ये सबूत काफी नहीं सस्पेंड करने के लिए उनके लाइसेंस को? बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा प्रदेश इस वक्त आपको सुन रहा है सर, बताइए क्या कल कार्रवाई होगी डॉक्टर चंद्रभान के खिलाफ और क्या कार्रवाई होगी? 100% कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई को हम बिल्कुल बाकायदा पब्लिश करेंगे और आपको बताएंगे। जी बिल्कुल प्रॉमिस। सर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे ये भी बता दीजिए। कार्रवाई तो ये है कि उनके खिलाफ एक तो MCI को लिखा जाएगा कि इनका क्यों ना ये अगर दारू का या ये नशे का सेवन करते हैं और बाद में पेशेंट को देखते हैं तो क्यों ना ये जानलेवा मामला है और इनका निरस्त किया जाए लाइसेंस। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अगर वो इस टाइप का करते हैं तो उनके नर्सिंग होम को क्यों नहीं लॉक किया जाए। जी बतौर CMHO क्या आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कि आप कोई एक्शन ले सीधा? नहीं हम तो ले लेंगे, सीधा लेंगे। सर आप बताइए आप क्या एक्शन लेंगे? हम तो सुबह बिल्कुल इनकी इंक्वायरी करके और रिपोर्ट कलेक्टर साहब को पेश करेंगे और हुआ तो FIR भी लिखवाएंगे। जी जिया कोई सवाल करना है? विजेंद्र सबसे बड़ा सवाल ये होता है CMHO साहब से पूछना है, ये वाकया हो गया लेकिन उससे पहले आप कब उस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने गए थे? क्या वहां पे गए थे तो वो पूरे नॉर्म्स में संचालित हो रहा है हॉस्पिटल? विजेंद्र सबसे बड़ी बात है कि अगर उस हॉस्पिटल की कंडीशन देख लें, एक डिस्पेंसरी की तरह करते वही है, वहीं पे सीजरियन रूम बना रहता है, ऑपरेशन भी वहीं किए जाते हैं, भामाशाह के नाम पे इलाज नहीं किया जाता, पैसे भी लिए जाते हैं और भामाशाह कार्ड से क्लेम भी उठाया जाता है। कई शिकायतें CMHO साहब के पास पहुंच चुकी हैं पहले रिटर्न के अंदर, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी CMHO साहब कह रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन करते हैं, करते हैं तो क्या खामियां मिली और क्या कार्रवाई अब तक उनकी तरफ से? CMHO साहब सर बताइए सर लास्ट टाइम आप कब गए इस अस्पताल के अंदर? नहीं मुझे जहाँ तक महसूस होता है ये हमारे जो इंस्पेक्शन होते हैं उस टाइम इंस्पेक्टर जो होते हैं हमारे वो जाते हैं। जी जो सर अंतिम बार कब गए? क्योंकि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि बाकायदा रिटर्न में आपको कंप्लेंट की गई है, रिटर्न में कंप्लेंट की गई है, भामाशाह के जरिए फर्जीवाड़ा हो रहा है अस्पताल इस तरीके का कि वहां पर भेड़ बकरियों का इलाज ना हो, आदमियों का इलाज वहां पर हो रहा है, इंसानों का इलाज वहां पर हो रहा है। आप CMHO हैं वहां के सर, कोई तो जिम्मेदारी बनती होगी। नहीं नहीं हमने की होगी 100% अगर हमारे पास रिपोर्ट आई तो हमने की होगी, क्योंकि अभी मेरे पास रिकॉर्ड तो है नहीं तो मैं बता नहीं सकता, बाकी कल मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। जी सर इस दौरान हमने आपसे जब बात करें हमारी टीम बाकायदा RC ढेनवाल जी जो कि कलेक्टर हैं टोंक के उनको भी फोन लगाया है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, वो बात करने को तैयार नहीं है। अब आप क्या कंप्लेंट लेके जाएंगे कलेक्टर साहब के पास? नहीं नहीं हम इसका तो पूरा कर ही देंगे, आप बेफिक्र हो, आप हमें कल की मोहलत दे दो सर। हम तो आपके वहां पर रहने की वजह से ही बेफिक्र थे,
टोंक की जनता भी बेफिक्र होगी, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही है वो बता रही है कि आप बेहतर तरीके से अपना काम ही नहीं कर रहे। एक्चुअली उन्होंने नशा करके जो कुछ भी किया है बिल्कुल शेमफुल है जी। और सर ये तो मान लेते हैं कि इसकी जानकारी आपको नहीं लगती होगी कि वो नशे में इलाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी तो आपके पास होगी कि अस्पताल किस कंडीशन में चल रहा है, किस कंडीशन में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, किस कंडीशन में मरीजों को रखा जा रहा है। अगर ये भी जानकारी आपके पास नहीं तो क्या वाकई में आपको लगता है कि आपको टोंक जिले का सीएमएचओ कहलाने का अधिकार है? सुरेश भंडारी जी। हाँ जी, हाँ जी जी सर, माने कि कल सुबह मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं देख के वगैरह क्या बताऊं, अभी तो मैं घर पे बैठा हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ सर। यही तो समस्या है कि घर पर बैठे हैं, यही समस्या है सर। तो फोन यहां पर काट दिया गया, लेकिन समस्या दरअसल सिस्टम की यही है कि जिनके पास जिम्मेदारी है वो घर पर आराम फरमा रहे हैं और फिर इस तरीके से जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आप जरा सोचिए, शराब के नशे में इलाज यहां पर किया जा रहा है, अस्पताल कुछ ऐसा कि जहां पर जानवरों का इलाज ना किया जाए, जिंदगियों का इलाज वहां पर हो रहा है, और जब इन तस्वीरों को फर्स्ट मीडिया दिखाता है तो बाकायदा फिर धमकी दी जाती है। उम्मीद करेंगे कि सीएमएचओ साहब घर से बाहर निकले, कार्रवाई करते नजर आए और फिर डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो कि कोई और ऐसा करता हुआ दिखाई वहां पर ना दे।